हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये क्लास 12th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। हम इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, ये कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरीके के रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म होते हैं, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी हम समझेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन वर्ड क्या है, ये हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि ये है क्या। तो आप लोगों को ये तो समझ में ही आ गया होगा, रिप्रोडक्शन है क्या। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक मैच्योर या एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म, एक यंग वन या एक हम इसको बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग, और इसको हम बेबी भी बोल सकते हैं, तो उसको ये जन्म देता है, गिव राइज करता है। ऑफस्प्रिंग ग्रो होते हैं, फिर वो मैच्योर होते हैं, फिर वो भी कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, वो भी फिर ऑफस्प्रिंग क्या है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक साइकिल सी बन जाती है जिसको हम बर्थ, ग्रोथ और डेथ कह सकते हैं। बर्थ हो गया, ऑफस्प्रिंग का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, वो ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ, उसने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया और फिर उसकी भी डेथ हो जाती है। तो ये एक तरीके से एक साइकिल बन गई है। और ये जो रिप्रोडक्शन है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या एक पर्टिकुलर किसी भी, अगर हम स्पीशीज की बात करें, तो उसको क्या है, जो भी उसकी स्पीशीज है वो उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डॉग का। अगर डॉग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो डॉग की स्पीशीज क्या है, प्रोड्यूस नहीं होगी। डॉग फिर एनवायरमेंट में से डॉग ही नहीं रहेंगे, नेचर में डॉग प्रेजेंट नहीं रहेंगे अगर डॉग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो। सेम ऐसे ही ह्यूमन के लिए भी है, अगर ह्यूमन रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे या फिर फिश रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उसकी स्पीशीज आगे नहीं बढ़ पाएगी और हम उसको आगे वाले आने वाले समय में हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वो अपनी जो भी उसकी जनरेशन, उसको आगे कंटिन्यू कर सके, आगे बढ़ा सके। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जैसे डॉग, ह्यूमंस हो गए और फिश वगैरह। इसके अलावा बहुत सारे जैसे बर्ड्स वगैरह हो गई, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे वर्ल्ड में, हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अलग मैकेनिज्म होता है रिप्रोड्यूस करने का, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का। तो इसको ध्यान में रखते हुए दो चीज़ों में इन्होंने इसको रिप्रोडक्शन को डिवाइड कर दिया है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता देना चाहती हूँ लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन क्या होता है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, हम इसको एक लेंथ ऑफ टाइम बोल सकते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या है जीवित रहता है, जितने टाइम तक वो जीवित रह सकता है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जब तक ऑर्गेनिज्म अपने उसके बर्थ से लेकर उस जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती उसको हम बोलते हैं उसका लाइफ स्पैन। हर एक ऑर्गेनिज्म की एक अलग लाइफ स्पैन होती है, अलग टाइम होता है कि वो कब तक सर्वाइव कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते सिंगल पेरेंट से, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता या गैमेट फॉर्मेशन भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो सकते हैं उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होंगे, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं, इनको हम क्लोन्स भी बोलते हैं। क्लोन्स में इसका मतलब ये, इसलिए हम इसको क्लोन्स बोल रहे हैं क्योंकि वो एकदम कॉपी है। कॉपी मतलब किस तरीके के, स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकली को हम स्ट्रक्चरल सिमिलर बोलते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मतलब वो जैसे उनका स्ट्रक्चर होगा, जैसे पेरेंट्स का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही उनके ऑफस्प्रिंग का भी स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, प्लस जेनेटिकली भी ये सिमिलर होते हैं, जैसे डीएनए वगैरह ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर का स्ट्रक्चर और जेनेटिकली मतलब अंदर का स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये सेम होता है ऑफस्प्रिंग में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, तो इनको हम क्लोन्स बोलते हैं। अब
ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, कैसे ये लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, कैसे होता है ये, इसमें माइटोसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। माइटोसिस क्या है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन होते हैं सेल के। माइटोसिस और मियोसिस दो टर्म है, पहले मैं इन दोनों टर्म्स को आपको क्लियर कर देती हूँ। माइटोसिस क्या है, इसमें सिंगल पेरेंट दो डॉटर सेल को रिप्रोड्यूस करता है, एक सेल होगा और वो दो डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा। और मियोसिस में सिंगल पेरेंट दो डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो दो डॉटर सेल दो और डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेंगे, तो टोटल हमारे पास चार हो जाएंगे। अब हम टाइप्स की बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं आपको इसमें कुछ बताने जा रही हूँ। पहले हम बात करेंगे फिजन की। फिजन में क्या है, इसमें जो पेरेंट सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं एक या एक से ज़्यादा पार्ट में। एक पेरेंट सेल है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इसमें आपको अमोइबा का बता देती हूँ, वो पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगा एक से और या उससे ज़्यादा पार्ट्स में। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में एक एग्जांपल है अमोइबा। जो फिजन है, फिजन की डेफिनेशन आपको पता चल गई तो बाइनरी फिजन और इसके और भी जो टाइप्स है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत ईजी हैं। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है, जो भी इंडिविजुअल है वो डिवाइड हो रहे दो इक्वल पार्ट में। जैसे कि अमोइबा है, अमोइबा का जो पेरेंट सेल होगा या पेरेंट अमोइबा जो होगा वो दो सेल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। वो कैसे डिवाइड होगा, जो पेरेंट अमोइबा का न्यूक्लियस होगा पहले वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा, वो थोड़ा बड़ा होगा, इंक्रीज होगा। जब वो इंक्रीज होगा तो फिर वो जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा, उसमें एक ग्रूव फॉर्मेशन आ जाएगी जिसकी वजह से वो डिवाइड होने में हेल्प करेगा। इसके बाद जब ये दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे, फिर वो जो उसका साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होगा वो भी डिवाइड होगा, उसके साथ साथ फिर सेल भी डिवाइड हो जाएगा, और फिर इस तरीके से दोनों पार्ट्स जो है वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से डिविजन होता है अमोइबा में और इसका रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है। इसके बाद है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट बॉडी जो होगी वो, जैसे हमने बाइनरी में पढ़ा था वो दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन मल्टीपल में क्या होगा, दो को नहीं वो दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए है प्लाज्मोडियम। और ऐसा अमोइबा में भी देखा गया, लेकिन जब ऐसा सिर्फ अमोइबा में तभी होता है जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती है, तब ये अमोइबा में ये चीज़ हम देख सकते हैं। और इसको हम अमोइबा में जब ये चीज़ होती है इसको हम एंसिस्टेशंस भी बोलते हैं। अब मल्टीपल फ्यूजन में एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा है, ये जो पेरेंट सेल है प्लाज्मोडियम का, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म आप देख सकते हैं, सेल आप देख सकते हैं, और ये सिस्ट फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब क्या होंगे, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा फिर उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी होगा फिर सेल। तो इस तरीके से ये जो एक न्यूक्लियस है वो बहुत सारे फॉर्म हो जाएंगे, बहुत सारे डॉटर सेल्स, इसको हम बोल सकते हैं बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ये जो डिवाइड हो रहे हैं ये किससे हो रहे हैं, मल्टीपल फ्यूजन से हो रहे हैं। और फिर बाद में जब इनका टाइम इनको सपोर्ट करेगा तो फिर इसके बाद ये बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन के बारे में। अभी इसके अलावा भी और भी हैं, आइए वो समझते हैं। अभी इसके बाद है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, एक आउटग्रोथ, एक बाहर से एक स्ट्रक्चर सा डेवलप हो जाता है बड जैसा, इसको हम बोल सकते हैं। ये जो पेरेंट बॉडी होती है उसके बेस पे अटैच रहता है, जब ये ग्रो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो फिर ये अपनी पेरेंट बॉडी से अटैच हो जाता है और ये फिर ग्रो करने लग जाता है। ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं, ये एक पेरेंट ईस्ट है, पेरेंट सेल है ईस्ट का, इसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये वैक्यूल है। ये क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। तो फिर क्या होगा, इसमें जो न्यूक्लियस है ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, ये एक जो ऑलरेडी था और इसका एक और बन जाएगा न्यूक्लियस, और ये आप ये एक आउटग्रोथ देख सकते हैं, ये है बर्ड। अब ये जो न्यूक्लियस है और इसके साथ जो वैक्यूल होगा वो यहाँ पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये देखिए, और यहीं पास ही वो क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रो होगा, फिर जब ये थोड़ा ग्रो हो जाएगा तो ये अपने पेरेंट ईस्ट से या पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगा और एक न्यू
अपना न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा और अपने आप को ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, फिर ये भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा सेम इसी मेथड से। तो ये था बडिंग मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा है स्पोर्यूलेशन। स्पोर्यूलेशन में क्या होगा, ये जो सिंगल सेल होते हैं और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये देखा गया है, एक जो इसमें बेसिकली स्पोर्स से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स आप लोगों को मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी, स्पोर्स है, कोनिडियोफोर्स है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम पहले बात करते हैं ज़ूस्पोर्स की। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं एक साथ। और जो ये स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, ऐसे स्पोर्स होते हैं। और इनमें एक या दो फ्लैजेला लगाते हैं आगे की साइड पे। आप ये देख सकते हैं ज़ूस्पोर का एग्जांपल, ये फ्लैजेला है, ये दो फ्लैजेला लगे हैं और ये ज़ूस्पोर्स हैं और ये मोटाइल है, मतलब ये मूव कर सकते हैं। अब ज़ूस्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये ज़ूस्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। ज़ूस्पोरेंजियम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप ये सैक जैसा एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, ये सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पास ही ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके एग्जांपल से ये क्लैमिडोमोनस का एग्जांपल है। इसके अलावा ऐसा ज़ूस्पोर्स जो ज़ूस्पोर्स प्रोडक्शन है ये यूलोथ्रिक्स में भी देखा गया है। इसके बाद है कोनिडिया, ये भी स्पोर्यूलेशन का ही है एक फॉर्मेशन। इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे ज़ू स्पोर्स में मोटाइल स्पोर्स थे लेकिन इसमें नॉन मोटाइल है। अब नॉन मोटाइल स्पोर्स से आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, ये मूव नहीं कर सकते हैं ये स्पोर्स। ये सिंगल में भी होते हैं और चेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं और इनको हम ये हाइफे फॉर्म कर लेते हैं। हाइफे मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर, जो ये चेन जैसा कुछ स्ट्रक्चर या फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर लेते हैं, इसको हम हाइफे बोलते हैं। और यही ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। तो ये जब यहाँ से नीचे गिरेंगे या फिर ये सिंगली यहाँ से ये डिटैच हो जाएंगे, अटैच नहीं होंगे, यहाँ से डिटैच हो जाएंगे और ये एक न्यू ऑफस्प्रिंग मतलब न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे। ऐसा फाइटोप्थोरा और पेनिसिलियम में देखा गया है, ये इसके एग्जाम्पल है कोनिडिया के। इसके बाद है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स भी नॉन मोटाइल है, मतलब कि ये मूव नहीं कर सकते, ये अपनी जगह पे स्टे रहते हैं, खड़े अपनी जगह पे ही प्रेजेंट रहते हैं। इसमें है एग्जांपल राइजोपस का। राइजोपस में क्या होता है, इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, स्पोरेंजियम जो एक स्ट्रक्चर है डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट है, इसको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बोलते हैं। ये देखिए इसमें आप और क्लियरली देख सकते हैं, ये जो है ये है स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो जब इनका रिप्रोड्यूस करने का टाइम आता है तो ये जो स्पोरेंजियम है ये क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और इससे जो स्पोर्स है वो रिलीज़ हो जाता है। और जो स्पोर्स रिलीज हुए होते हैं फिर वो एक फिर वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं और न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं वो फॉर्म होते हैं। इसके बाद है गैम्यूल्स। गैम्यूल्स क्या है, ये इंटरनल यूनिट्स होती है, एसेक्सुअल यूनिट्स होती है। एक इसका एग्जांपल स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के अंदर बहुत सारे गैम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बर्ड्स भी बोलते हैं। ये पेरेंट बॉडी के अंदर ही डेवलप होती है और फिर जब जर्मिनेशन होता है तो ये रिलीज होते हैं, जब इनका रिप्रोडक्शन का टाइम होता है तो ये रिलीज हो जाती हैं। इसमें ये आप अंदर देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर से, ये क्या है, गैम्यूल्स हैं और ये माइक्रोपाइल है। अब जब इसका जर्मिनेशन का टाइम होगा तो ये माइक्रोपाइल से सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे और डेवलप करेंगे खुद के अंदर। इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। ये जो पेरेंट बॉडी होती है, एक पेरेंट बॉडी है, इसका एग्जांपल एल्गी है। एक पेरेंट बॉडी जब दो भागों में डिवाइड होती है, वो इक्वल भी हो सकते हैं और सिर्फ दो ही नहीं, दो से ज़्यादा पार्ट्स में भी अगर वो डिवाइड होती है तो फिर जो पार्ट्स वो डिवाइड हुए हैं तो वही पार्ट्स फिर से क्या होंगे, ग्रो करने लग जाएंगे एक अलग इंडिविजुअल में, वो अलग हो जाएंगे और वो अलग से ही वो ग्रो करने लग जाएंगे। ऐसा हमने एल्गी में देखा है, ब्रायोफाइट्स में भी देखा है, जैसे मर्शेंटिया प्लांट हो गया और या रिक्शा हो गया, इन सब में भी हमने देखा है। तो ये था फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल। ये इसमें भी आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये एक एल्गी स्पाइरोगैरा, इसको अगर हम बीच से कट कर देंगे तो ये वाला जो पार्ट बचेगा ये फिर से वापस ग्रो हो जाएगा और ये वाला भी वापस ग्रो होने लग जाएगा। तो इस तरीके से एल्गी वगैरह जैसे स्पाइरो वगैरह इन सब में ये रिप्रोडक्शन इस तरीके से होता है। इसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर कोई पार्ट
कट जाता है या टूट जाता है या फिर वो पार्ट हट जाता है, तो वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। जो सेल्स होते हैं वो वापस से प्रोलिफेरेट होने लगते हैं, मतलब वापस से वो स्टार्ट हो जाते हैं लगना, उनका काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको अगर चोट लगती है कहीं पे भी, कट जाता है अगर आपका, हाँ, तो वापस से सेल्स क्या होते हैं, वो वापस से वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको फिल कर देते हैं, उस ताकि वहाँ से और ब्लीडिंग ना हो। और वो वापस से आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि आपका हाथ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ उसमें कट लगा था। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, जैसे हाइड्रा प्लानेरिया या स्पॉन्जेस वगैरह, इसमें भी हम रीजनरेशन देख सकते हैं। ये एक हाइड्रा का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, यहाँ पे ये हाइड्रा है, इसको अगर हम, ये बीच से कट हो गया तो ये इसका जो कट वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट को ग्रो करेगा और जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर वाले पार्ट को ग्रो करेगा। इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन, मतलब फिर से वापस से अपने जो भी उसके ऑर्गेनिजम्स के पार्ट है उसको फिर से जनरेट करना और ग्रोथ करना। तो ये था रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ और भी बहुत सारे जो इसके पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन। एक आप लोगों ने देखा है कि नोड्स, इंटरनोड्स जो होते हैं वहाँ से भी न्यू प्लांट्स जनरेट होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो बहुत इजी भी है और ये बहुत सारे जो फार्मर्स वगैरह है हमारे, वो इस मेथड को यूज़ भी करते हैं न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ताकि जो भी उनकी प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो, जो भी वो क्रॉप जो भी ग्रो कर रहे हैं या जो भी प्लांट वो ग्रो कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, जैसे कि फार्मर्स लोग यूज़ करते हैं कटिंग मेथड, लेयरिंग मेथड, ग्राफ्टिंग। कटिंग मेथड आप रोज़ के प्लांट में भी देख सकते हैं, अगर आप रोज़ के प्लांट को कट करके लगा देते हैं तो कुछ दिनों बाद वो वापस से ग्रो करने लगता है। लेयरिंग प्लांट भी एक मेथड है, इसमें आप बीच में से कट करते हो फिर उसमें लेयर्स लगाते हैं बहुत सारी चीज़ों की। ग्राफ्टिंग भी कुछ इसी तरीके से है। इसके अलावा अब हम कुछ यूनिट्स की बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, जैसे कि अगेव में हम लोग बल्बिल फॉर्मेशन देख सकते हैं, अनियन या गार्लिक में हम बल्ब्स का फॉर्मेशन देख सकते हैं, बल्ब्स एक पेपरी स्ट्रक्चर होता है। पोटैटो में हम आइस देख सकते हैं, तब वो जब उसमें आइस हमें दिखने लगते हैं तब हम उस पोटैटो को लगा भी सकते हैं, फिर वो और ग्रो करती है, मैच्योर होती है, फिर हमें उससे पोटैटो मिलती है जब हम उसको लगा देते हैं। ब्रायोफिला में हम लीफ बर्ड्स देख सकते हैं, हाइसेंथ या और पिस्टिया का एक एग्जांपल है ऑफसेट। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगर डायग्राम से दिखाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको सकर का एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, ये मिंट है। मिंट में हम सकर फॉर्मेशन, सकर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देख सकते हैं। मिंट ऐसे ऐसे ग्रो होते जाते हैं और वहीं से ये सकर फॉर्मेशन इसको बोल सकते हैं हम, या सकर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो इसकी रूट है, जैसे जैसे मिल्ट आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, उसकी जो रूट है ऐसे नीचे को ग्रो होती जाएंगी, इसको हम बोलते हैं सकर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके अलावा बल्ब्स जो अनियन में हम देख रहे थे, यहाँ पास आप देख सकते हैं ये पेपरी सा एक स्ट्रक्चर होता है। अगेव में आप बिल्बिल्स फॉर्मेशन देख सकते हैं, इस तरीके का ये कोन जैसा कुछ स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हैं अगेव में। ऑक्जेलिस में आप रनर का फॉर्मेशन देख सकते हैं, सकर और ऑक्जेलिस कुछ कुछ सिमिलर है बट ये डिफरेंट है। ऑफसेट वाटर हाइसिंथ जो है, इसमें भी आप फॉर्मेशन देख सकते हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी वाटर में ग्रो करने लगते हैं। अब ये जो ऑफसेट है इसके बारे में कुछ हम डिटेल में जानते हैं। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जो अभी हमने ऑफसेट पढ़ा, ये इसी ऑफसेट प्रोपगेशन से, ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो होते हैं। प्लांट का नेम है आइकॉर्निया क्रैसिपस या फिर एक और प्लांट है पिस्टिया। ये वाटर में ग्रो होते हैं, इसमें हम आइकॉर्निया क्रैसिपस की बात करेंगे और इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोल रहे हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं पानी में ग्रो करते हैं और ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं पूरे वाटर में। तो एक तरीके से ये अलार्म है जो उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, उन वाटर बॉडीज़ के लिए या उन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए जो पानी में रहते हैं। ये इतनी जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं और इनको ऑक्सीजन वगैरह, लाइट वगैरह ये सब बहुत चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो सारे ये प्लांट्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो
वाटर में जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी, जैसे कि फिशेज़ वगैरह और जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो भी प्रेजेंट रहते हैं उनको ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा और उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए हमने इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला था, क्योंकि इसका स्प्रेड जो है हमें इसको रोकना था। ये 2006 के आसपास की बात है, ये जिस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला था और ये ऐसा बहुत सारे फिशेस की डेथ भी हो रही थी। तो हालांकि अभी ये कंट्रोल में भी है और इसीलिए ये जो वाटर हाइसिंथ है इसमें ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ये पूरे वाटर जो भी वाटर एरिया है पूरे वाटर एरिया में ये फैल जाते हैं और इनको ऑक्सीजन बहुत हाई डिमांड इनकी ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है बहुत हाई होती है और लाइट वगैरह ये सब उनको बहुत चाहिए होता है। तो ये था टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम देख सकते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो इसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करने जा रही हूँ वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में होगी, जो इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है, इसी चैप्टर का आगे का पार्ट है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी अपडेट मिल जाए कि वो कब अपलोड हुई है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।